नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं, ये जो DT+B जो है दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसके द्वारा TJT हिंदी वालों के लिए सेकेंड रिकॉल नोटिस जारी किया गया है। और अगर आप इस सेकेंड रिकॉल नोटिस को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। इस समय हम ये जो DT+B जो है इनकी मेन जो वेबसाइट है हम इस पर हैं, और इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। और जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट रिजल्ट में आपको ये नोटिस दिखाई देगा। नंबर एक पर नोटिस, सेकंड रिकॉल नोटिस नंबर 148, और यह है TJT हिंदी फीमेल पोस्ट कोड 33/21। तो फिलहाल जो यहीं पर यही एक नोटिस जारी हुआ है। इस बीच अगर कोई नया नोटिस आ जाता है तो इसके बाद हम उसे भी देखेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो जैसे जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको एक नए पेज पर लेकर आएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर भी एक लिंक है, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका नोटिस आ जाएगा। और ये नोटिस आपका यहाँ पर आ चुका है, और ये आपकी डेट है, हाल ही में कुछ समय पहले जारी हुआ है। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं सेकंड रिकॉल नोटिस है, कंटिन्यूएशन नोटिस है क्योंकि ये पहले जारी हो चुका है। 13/6/22 फॉर अपलोडिंग ऑफ टिप्स एंड डॉक्यूमेंट शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स 14/6/22 13/6/22। और ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और 75 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके डॉक्यूमेंट में कमी है, पहले भी जारी हुआ था फर्स्ट रिकॉल नोटिस ये, और अब की बार जो लास्ट चांस यहाँ पर दिया गया है सेकंड रिकॉल नोटिस ये आया है। और अगर अब भी आप अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर सही से अपलोड नहीं करते हैं तो आपका कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं ये रोल नंबर दिया गया है यहाँ पर, और ये रिमार्क्स हैं जिस भी डॉक्यूमेंट में कमी है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं ये आप समझ सकते हैं। तो अपना यहाँ पर इसमें रोल नंबर और जो भी रिमार्क्स है वो आप चेक कर सकते हैं। और बहुत संख्या में ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके डॉक्यूमेंट में यहाँ पर कमी पाई गई है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 75 ये कैंडिडेट हैं जिनके डॉक्यूमेंट में कमी है। और ये डोसर का लिंक यहाँ पर इनके लिए एक्टिव रहेगा, ये आप देख सकते हैं 1/7/2022 से 5/7/2022 तक। तो इस डेट के अंदर अंदर जो आपने जिस भी डॉक्यूमेंट में कमी है ये दोबारा से अपलोड करने होंगे ईडोसर पर, जैसे आपने पहले अपलोड किए थे। ईमेल SMS जो आपके पास यहाँ पर आ चुका होगा। तो ये जो हाल ही में एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।